नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है अनंत आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 7 व 8, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, थल सेना के अधिसंख्यक जवानों ने कहा है कि उन्हें अपने सेवा काल में 2 वर्ष का विस्तार नहीं चाहिए। विराम। थल सेना अध्यक्ष से लेकर अधिकारियों और जवानों तक के सेवा काल 2-2 वर्ष बढ़ाने की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी। विराम। इस अधिसूचना के बाद थल सेना मुख्यालय ने देशभर में अपने जवानों का एक सर्वेक्षण करवाया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वे 2 वर्ष का सेवा विस्तार लेना चाहेंगे या नहीं। विराम। विश्वस्त सैन्य सूत्रों के अनुसार थल सेना के 88% जवानों ने कहा कि वे सेवानिवृत्त होने के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा नहीं करना चाहेंगे। विराम। पैरा। उल्लेखनीय है कि थल सेना के जवानों की अब तक 17 वर्ष की सेवा अवधि होती थी और इसके बाद उन्हें 2 वर्ष रिजर्व के रूप में अतिरिक्त सेवा जारी रखने का विकल्प था। जवान या तो अधिकतम 19 वर्ष की नौकरी कर सकता था या अधिकतम 40 वर्ष तक सेवा में रह सकता था, लेकिन अब सरकार ने 17 वर्ष की सेवा के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा और इसके बाद 2 वर्ष की रिजर्व सेवा या अधिकतम 42 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति दे दी है। विराम। लेकिन अधिसंख्यक जवानों ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद वे 2 वर्ष की विस्तारित सेवा का विकल्प नहीं चुनेंगे अथवा वे 40 वर्ष की उम्र के बाद ही सेवानिवृत्त हो जाना पसंद करेंगे। विराम। पैरा। जवानों की 2 वर्ष की सेवा विस्तार नहीं लेने का इच्छा पर यह सैन्य इलाकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शायद इसका कारण सेना की नौकरी से जवानों का उकता जाना है। विराम। देश में कश्मीर सहित कई राज्यों में विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों के कारण सेना के जवानों का जीवन काफ़ी कष्टकर हो गया है और उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल व कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देनी पड़ती है। विराम। वास्तव में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने का सर्वाधिक भार थल सेना के पैदल जवानों और कनिष्ठ अधिकारियों पर ही होता है। सेना के अधिकतर अधिकारियों को तो दूरदराज के स्थानों पर भी सहपरिवार रहने की सुविधा होती है, लेकिन जवानों को शांतिकाल वाले सैन्य स्टेशनों पर भी अपने परिवार रखने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सैन्य छावनियों में जवानों के लिए आवास की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। अपने परिवार से दूर रहने वाले ये जवान अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। विराम। पैरा। महोदय, स्वरोजगार से जुड़े लोगों की एक बड़ी समस्या होती है उनकी मानसिक आय का अनियमित होना। विराम। कभी कभी तो काफ़ी अच्छी आमदनी होती है और कभी कभी परिवार का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। छोटे स्तर पर या मध्यम स्तर पर स्वरोजगार करने वाला इस तरह की परेशानी से प्राय सामना होता रहता है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार से जुड़े लोगों की स्थिति पिछले
तीन वर्षों से खराब चल रही है, जबकि इससे पूर्व शेयर दलालों, उप दलालों, मर्चेंट बैंकरों आदि को अच्छा काम मिल रहा था। विराम, इस तरह के रोजगार से जुड़े लोग हमेशा भविष्य का सही आकलन नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनके लिए उस तरह की बचत योजनाओं में हिस्सा लेना कठिन हो जाता है जिसमें प्रत्येक माह एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। विराम पैरा, स्वरोजगार करने वालों को एक ऐसी बचत योजना चाहिए जिसमें इस बात की स्वतंत्रता हो कि बचतकर्ता समयानुसार जितना संभव हो सके उतना ही निवेश कर सके। विराम, सार्वजनिक भविष्य निधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन चलने वाले विभाग राष्ट्रीय बचत संगठन की ऐसी ही एक योजना है। विराम पैरा, PPF में आप चाहें तो प्रत्येक महीने पैसा जमा करा सकते हैं और यदि आर्थिक संकट में हैं तो पूरे वर्ष में मात्र एक बार केवल 100 रुपये जमा करके भी अपने खाते को जीवित रख सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से यह 100 रुपया भी आप किसी वर्ष नहीं जमा करा पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, इस 15 वर्षीय बचत योजना के प्रति वर्ष में न्यूनतम 100 रुपये की राशि के साथ 10 रुपये दंड के रूप में जमा कर आप अपना खाता जीवित रख सकते हैं। विराम, यदि यह भी नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपने जितना रुपया अपने खाते में जमा किया है उस पर ब्याज जोड़कर जो राशि बनती है 15 वर्ष पूरा होने पर वह आपको मिल जाएगी। विराम, PPF में रुपया जमा करने नहीं करने की स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पैरा, वर्ष में आप जब जब चाहें रुपया जमा करें लेकिन एक वर्ष में आप अधिकतम 12 बार रुपया जमा कर सकते हैं, अर्थात आप चाहें तो प्रत्येक महीने में एक बार जमा करें लेकिन पूरे वर्ष में अधिकतम 12 बार तथा कुल राशि 60,000 रुपये तक ही जमा की जा सकती है। आगे उस वर्ष आप कोई जमा नहीं कर सकते। विराम, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की डिक्टेशन जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।